नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। सर, मरियम नवाज के उसी बयान की जाने बातें हैं। सर, कश्मीर को मोदी की झोली में फेंकने का इल्जाम आयद किया है। सर, मोदी किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था? अफगान पार्लियामेंट का, वो जो भारतीय पैसों से तामीर हुई थी, नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह करके वहाँ एक पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर दाग करके किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था, जो उसको बाकायदा VVIP प्रोटोकॉल दिया गया था? जाते हुए उसकी वालदा के लिए शॉल्स रवाना की गई थी, आमों की पेटियाँ रखवाई गई थी। क्या आप, इतना बड़ा मुल्क इंडिया जिससे आपकी पड़ोसी भी है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है तो ये पाकिस्तान की इज्जत अफजाई है, अगर कोई ज़ाती फंक्शन में भी। मैं तो हैरान हूँ आप पे। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते तब आप नाराज़ हैं, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे एक ज़ाती फंक्शन पे भी आए, कभी भी आपके कोई भी, आप हमारी जो रस्म रिवाज है सब कॉन्टिनेंट की, अगर किसी के कोई फंक्शन में या किसी के यहाँ, तो इज्जत उसको दी जाती है ना। मुझे तो हैरानी है आपकी बात पे। इसमें कोशिश की गई कि बैठ के मिसाइल का बैठे बगैर कभी कोई किसी मुल्क का मसला हल हो सकता है? ये बात जुज़वी तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शायद आपको हैरानी जुज़वी तौर पर दुरुस्त हो रही है। मैं पूरा सवाल दागे देता हूँ। सज्जन जिंदाल जैसा जो है एक आदमी उस वफ्द में उनके साथ आया था, अगर आपको याद हो। सज्जन जिंदाल को मरी की पहाड़ियों पर लेकर के और राजो न्याज हो रहे थे। सर, मेरा ख्याल है अब शायद आप समझ पाएंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा था। नहीं, मुझे नूरुल आरफीन वाकई आपके सवाल की, क्योंकि ये खामखा के प्रोपेगेंडे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना भी नहीं बातचीत किसी से, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अपने यानी पड़ोसी मुल्क जो कि अनफॉर्चुनेटली आपसे उसकी मुखासमत है, आपकी उनकी एक दुश्मनी हो गई है, तो मामला तो तभी हल होंगे ना जब आप आपस में बैठेंगे, या कोई और हल मुझे बता दीजिए, और क्या तरीका है, या किसी मुसलमान मुल्क को डालेंगे बीच में, और या अमेरिका को बीच में डालेंगे। तो जो कुछ करें आप उससे सबसे नाराज़ हैं, ना खुद मिलें, ना अमेरिका की कोई, हम कहें कि वो समझौता करा दे या चाइना करा दे या कोई मुसलमान ममालिक करा दे, तो मुझे कोई तरीका बता दें ना। आज 74 साल तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए, हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ कि आप अगर यही करते रहेंगे, एक दूसरे का मजाक ही उड़ाते रहेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल तक अगर वो हमारे मुल्क में आ गए और हमारी उन्होंने इज्जत अफजाई की, पर्सनल फंक्शन पर आए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं चलो नहीं आए तो आप बता दीजिए, अब बात करके देख लीजिए, टेलीफोन तो उठाते नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर मोदी बन गए मैं उनके साथ हूँ इलेक्शन में, ये रिकॉर्ड की बात है कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद वो जाके अमेरिका में जाके सालसी की बात करते रहे, फिर क्या ये हुकूमत, और यहाँ आके सारे का सारा ये हो गया कि जम हो गया, उन्होंने अनेक्स कर लिया और कोई उनको शर्मिंदगी भी नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, देखिए आज मैंने असम्बली में भी कहा, अगर हम बिज़नेस नहीं करते इंडिया से, कारोबार नहीं करते, तो हमारा नुकसान हो रहा है। हम वो चीज़ें, इंडिया की चीज़ें दुबई की मार्फत या ईरान की मार्फत हम ले रहे हैं स्मगल होके, वो महंगी खरीद रहे हैं, वही अद्वियात वही सब्जियां आज खरीद रहे हैं। आपने अपना हर चीज़ बंद कर दी इंडिया, क्योंकि ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हमारी एक्सपोर्ट कम है, हर चीज़ हमने बंद कर दी और महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, और कहते हैं हम ये कह रहे हैं कि नहीं जब तक कश्मीर का वो वापस नहीं करेंगे एनेक्स जो किया है, तो भाई बैठेंगे तो तब होगा ना कोई बातचीत करें, और इसमें ना एक दूसरे की तानाजनी करें, कोई एक दोनों ममालिक को चाहिए कि एक मामलात की शुरुआत करें, नहीं तो अदरवाइज़ तो कोई मसला मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। हर हुकूमत ने कहा कि भाई नारे ही हैं ना, फिर तो एक नारे हैं, खोखले नारे कि 74 साल हो गए कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम तो सुनते क्या हुआ, क्या कहीं डेवलपमेंट हुई, किसी मुल्क ने आपकी सपोर्ट की? तो देखिए नूरुल आरफीन, आप तो इतने सीजनड एंकर हैं, आपको तो ये बात इस तरह करनी चाहिए कि मसाइल का हल किस तरह निकले। चलो तनकीद करना बड़ा आसान है, कर लें जितनी मर्ज़ी तनकीद कर लें, हर एक पे कर लें, तमाम हुकूमतें हमें अच्छी नहीं लगती, तो मसाइल का हल किस तरह पूछना ही था। आप कह रहे थे कि इमरान खान ने उनकी आंखों में आंखें डाल करके, सर अमरीका तो पुश्त आपकी तरफ किए खड़ा हुआ था, अमरीका ने तो पूछा ही नहीं था,
आपने बिलावजा अपने तौर पर उसको जवाब भी दे दिया और अमरीका को फतह भी कर ली, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन थोड़ा सा तवक्कुफ रखिए कि मैं आपकी तरफ आता हूँ। कैसर अहमद शेख साहब, सर इमरान खान साहब की शान में ये जो कलिमात मरियम नवाज साहिबा ने अदा किए, जो उनको तानाए बुजदिली दिया, सर नवाज शरीफ साहब गुरदासपुर का किला फतह करके लाए थे हम लोगों के लिए, क्यों हमारी कौम उनकी बहादुरी की दास्तानें याद रखेगी, क्यों हमारी दरसी कुतुब में नवाज शरीफ की शुजात के जो है वो सबक पढ़ाए जाएंगे? असल नूरुल आरफीन, हमारे यहाँ शुरू से ही ना यही और तलवार टूट गई जैसी जो है ना अफसाने और नावलें पढ़ के बात होती है। मेरे दोस्त, हकीकत देखना पड़ेगी, आप अपने पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकते, पड़ोसी पड़ोसी ही रहेगा। आपने 74 साल तो हो गए, हमने 3 जंगें भी लड़ ली, या तो कोई बैठ के, या कोई चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि हमारी दोनों पार्टियों की उन्होंने तनकीद की, उनका राइट है, लेकिन मुझे बताइए कोई हल बताएं ना कि हम क्या करें, हम क्या लड़ाई कर लें। बिल्कुल इमरान खान साहब ने एक दिन असम्बली में कहा और सही तौर पे कहा कि हम नहीं लड़ सकते। देखिए लड़ाई से कोई मामलात, आज अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल दुनिया की सबसे सुपर पावर, क्या उसने जीत लिया अफगानिस्तान? तो ये मामले टेबल पे बैठ के और एमिकेबली हल हो सकते हैं। देखिए जब कोई हल होने लगता है कोई ना कोई मामला उसमें शुरू हो जाता है। अगर या तो आप इंडिया से बात बिल्कुल नहीं करना चाहते और अपने नुकसान करना चाहते, इंडिया 1990 में ना हमसे 4 गुना था, आज नूरुल आरफीन हमसे 10.5 गुना हो गया है। 1990 में आज 10.5 गुना उसकी इकानमी हो गई है, और आज हमारी इकानमी है 290 अरब डॉलर और उनकी इकानमी 3,100 अरब डॉलर हो गई। वो आगे बढ़े हैं, हम और नीचे जा रहे हैं। उनका बजट हमारे वक्त ना नूरुल आरफीन मुस्लिम लीग के दौर में पाकिस्तान का डिफेंस का बजट 10 अरब डॉलर था और इंडिया का डिफेंस का बजट 65 अरब डॉलर था। आज तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस बुज़ुर्ग को सुना, ये बुज़ुर्ग बेसिकली नवाज शरीफ की पार्टी के प्रवक्ता थे और उन्होंने अपने पार्टी को डिफेंड करते हुए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान की विज़िट की थी उसको, आपको बता दूं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी की विज़िट को लेकर नवाज शरीफ की पार्टी को टारगेट किया जाता है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की विज़िट को लेकर यहाँ की विपक्षी पार्टी टारगेट करती हैं। हालाँकि दोनों तरफ से बेवकूफ़ लोग हैं, आपको भी पता है कि एक पड़ोसी देश से आप को कभी ना कभी तो संबंध या रिश्ते ना कुछ तो टेबल पर बैठना पड़ेगा, और एक वही शुरुआत की गई थी। तो पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती यहाँ पे, तो अब यहाँ से तो कोशिश की गई थी, अगर यहाँ पे पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाए जाते तो डेफिनेटली कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी वाले हैं वो नहीं चाहते वो जिहाद। उन्होंने सीधा पुलवामा कराया, फिर उसके बाद कंटिन्यू कश्मीर में टेररिज्म कंटिन्यू था। तो दोस्तों आप भी समझ सकते हो कि अगर हमें सेंट्रल एशिया का रास्ता चाहिए तो या तो फिर हमारे पास POK हो, और POK नहीं है तो फिर पाकिस्तान की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीधा सेंट्रल एशिया में हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएंगे, फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया जाएंगे। हालांकि अभी तो सिचुएशन अफगानिस्तान में इतनी ख़राब है कि आप सेंट्रल एशिया भूल जाएँ। तो दोस्तों ये मैं इस वीडियो में सैंकर के बारे में बात करना चाहूँगा। सैंकर ने एक वीडियो अपलोड किया था, इसका खुद का यूट्यूब चैनल है, जिसमें वो बहुत बेरहमी से हिंदू धर्म को गाली, गाय माता को गाली, इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा था कुछ कमेंट को देखकर। तो मैं इससे बोलूँगा तू एक स्लैब है, तू एक एंकर है, तो तू इन चीज़ों को इग्नोर कर, तू थोड़ा सा मैच्योर बन। तू इस तरीके की हरकतें करेगा कमेंट में पढ़ के तो फिर तो पागल ही हो जाएगा तू, तेरे को तो फिर 1000 गालियाँ पड़ेगी, तू दिन भर यही करता रहेगा। इसलिए 3 या 4 जुलाई के वीडियो में इसका यूट्यूब चैनल, उसमें जाकर इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी थी, इतनी गंदी गालियाँ कि आप सुनेंगे तो आप डेफिनेटली फिर आप इसको रिप्लाई में गालियाँ देंगे। तो दोस्तों कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में जो इस बुज़ुर्ग ने बात की है कि 74 साल में आपने क्या कर लिया और क्या हो गया, तो ये तो डेफिनेटली आपको सुनकर अच्छा लगा होगा कि ये बात सही है, पाकिस्तान अब कश्मीर के बारे में छोड़ दो और भारत से रिश्ते सही करे। अगर ये लोग मतलब ये जो वॉर पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हथियार पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये चीज़ें बंद करें, टेररिज्म बंद करें, बांग्लादेश से कुछ सीखें। बांग्लादेश ने आर्मी पर इतना पैसा खर्च नहीं किया लेकिन आज उसकी ग्रोथ रेट, आज उसका जो मतलब टका है वो पाकिस्तानी रुपये से बहुत आगे है। तो ये चीज़ें इन्हें सीखनी चाहिए दोस्तों। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए।